हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीसी और पीसीसी पैनल्स के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जब तक आपको एमसीसी और पीसीसी पैनल्स क्या होते हैं और ये किस तरह से वर्क करता है, जब तक ये आपको फंडामेंटल समझ में नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी जो है ड्रॉइंग का लेआउट जो है नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कोई भी अगर डाउट क्रिएट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी और पीसीसी पैनल्स का पूरा नाम क्या है। तो गाइस, ये जो एमसीसी है इसका पूरा नाम है मोटर कंट्रोल सेंटर और पीसीसी पैनल में पावर कंट्रोल सेंटर। अब गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे कि आप इसे थोड़ा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। आपके पास जो मोबाइल है, आप उसमें जो है लॉक लगा के रखे हुए हैं, तो वो जो लॉक लगा हुआ है आप उसे सपोज जो है पीसीसी पैनल मान के चलिए, और जब आप लॉक खोल रहे हैं तो आपके मोबाइल के अंदर जो भी एप्लीकेशंस है उसे आप जो है एमसीसी पैनल्स मान के चलिए। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि पीसीसी के अंदर जो है एमसीसी आते हैं। अगर किसी भी कारण हमारे पीसीसी पैनल में कोई भी अगर फॉल्ट जनरेट होता है तो हमारे जो भी एमसीसी पैनल से वो जो है वर्क नहीं करेंगे। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पीसीसी पैनल्स का फुल फॉर्म होता है पावर कंट्रोल सेंटर, यानी कि हमारे इंडस्ट्री में जो ट्रांसफार्मर से जो इनकमर आता है वो हमारे इनकमर जो है डायरेक्ट पीसीसी पैनल्स में आते हैं। अब ये पीसीसी पैनल्स जो है सप्लाई देते हैं एमसीसी पैनल्स को, और ये सप्लाई देने के पहले ये पीसीसी पैनल्स में जो है एक सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है, करंट का रेटिंग के हिसाब से होता है। और जनरली मैं अगर अपने प्लांट की बात करूँ तो मेरे प्लांट में जो है एयर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है जो कि 4000 एम्स का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीसीसी पैनल में कोई भी अगर फॉल्ट ऑकर होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड की वजह से अगर हमारे पीसीसी पैनल्स में जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है अगर वो ट्रिप होता है, तो हम उसके वजह से जो है हमारे एमसीसी पैनल्स में जो है इफेक्ट पड़ेंगे। तो ये पीसीसी पैनल्स में जो है आपको बहुत सारे इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि एम मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, जिससे कि एम मीटर से हम लोग जो है करंट को देख सकते हैं हमारे तीनों फेज में जो है करंट सही है कि नहीं है। हमारे वोल्ट मीटर से जो हम लोग वोल्टेज को चेक करते हैं, और एनर्जी मीटर से है उसका पावर फैक्टर, उसमें जो है लाइन टू लाइन वोल्टेज, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या है, ये सभी चीज़ जो है हम लोग देख पाते हैं। गाइस, अब बात करते हैं एमसीसी पैनल्स के बारे में। ये जो एमसीसी पैनल्स है इसका पूरा नाम है मोटर कंट्रोल सेंटर। तो ये एमसीसी पैनल जो है पीसीसी पैनल के अंदर आती है, यानी कि एक पीसीसी पैनल्स के अंदर चार पांच जो है एमसीसी पैनल्स आ सकता है। ये जो एमसीसी पैनल्स है यानी कि मोटर कंट्रोल सेंटर, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, ये जो एमसीसी पैनल्स है, ये एमसीसी पैनल्स जो है सप्लाई प्रोवाइड करती है हमारे फील्ड में जो भी मोटर्स लगे होते हैं उस मोटर को। यानी कि एक एमसीसी पैनल्स में आपको जो है कम से कम 30 से 40 जो है फीडर्स देखने को मिलेंगे, और ये फीडर जो है एक ब्लॉक टाइप का होता है जहाँ से एक मोटर को जो है कंट्रोल किया जाता है। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पीसीसी पैनल्स है, ये पीसीसी की पैनल्स के अंदर में जो है हमारे एमसीसी पैनल्स आते हैं, और एमसीसी पैनल ये सप्लाई देती है हमारे एमसीसी पैनल्स को, और ये जो एमसीसी पैनल्स है ये सप्लाई देता है हमारे फीडर्स को, और फीडर्स से जो है सप्लाई हमारे चली जाती है फील्ड में जो भी हमारे मोटर्स लगे होते हैं। इतना सिंपल वे में हो सका मैं जो है आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वालिटी कंटेंट है वो आपके तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।